हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर हंग्री में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला की रेसिपी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला बिल्कुल ढाबे वाले टेस्ट के साथ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के लगभग फ्रेश भिंडी ले ली है, देख सकते हैं आप, जिसे मैंने वॉश करके कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जो स्लाइवा यानी कि लेसलेसापन होता है वो दूर हो जाए। जिसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और बीच से चीरा लगा दिया है बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे ही आपको कट कर लेना है। अगर आपकी भिंडी छोटी हो तो उसे आप केवल टॉप कट करके और लास्ट पोर्शन कट करके उसमें चीरा लगा देना है। यहाँ भिंडी बड़ी थी तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी को सैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख लिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि राई का तेल। इससे भिंडी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक, जिससे कि राई के तेल का जो पीलापन होता है वो दूर हो जाता है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने भिंडियों को कट किया था उसे। इसे हमें 50% तक केवल पकाना है, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। बचे हुए ऑयल में ही हम भिंडी मसाला प्रिपेयर करने वाले हैं। हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बचे हुए ऑयल में ही हम वेजिटेबल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड 1 टेबल स्पून यानी कि साबुत जीरा। जीरा भुन जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप धनिया। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे हम मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए अनियन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर, 1 इंच अदरक और 4 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। इसे हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर यहाँ पे मैंने लिया, पिंच ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए 10 से 12 मिनट के लिए भून लेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कर्ड यानी कि दही, और इसी के साथ ही स्वाद अनुसार नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। याद रहे कि पहले हमने ऑयल के साथ सॉल्ट ऐड किया था, उसी हिसाब से हमें ऐड करना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मसालों के साथ। और इसे 10-12 मिनट हम भून लेंगे कवर करके इस तरीके से। 12 मिनट हो चुके हैं, मसालों को चेक कर लेंगे। ये देखिए मसालों से ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी, से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसको। इन सबको मिक्स करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे ये जो भिंडी हमने सैलो फ्राई करके रखी है पहले उसे इस तरीके से। इसे भी मसालों के साथ अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
उलट पलट के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे सिमर होने के लिए, ताकि हल्का सा ये मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए भिंडी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, मसालों के साथ मिक्स हो चुकी है। अब लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन कोरिएंडर लीव, यानी कि धनिया हरी पत्ती बारीक कटी हुई। और इसे गर्म गैस को कर देंगे ऑफ और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप कितना टेस्टी बना है। हमने इसकी प्लेटिंग भी कर ली है, देख सकते हैं आप बहुत ही टेस्टी बना है, और बहुत ही कम समय में बिल्कुल ढाबे वाले टेस्ट के साथ मसाला भिंडी हमारी बनके रेडी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।